हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और ये उस टीजर के बाद वाला सेशन है जिसके लिए आप बहुत बेताब थे, और ये वो सेक्शन है जिसको हम सेक्शन टू कहते हैं, जहां से तकरीबन तकरीबन दो सवाल जरूर आते हैं। इस सेक्शन को एक्चुअल में अगर हम पाकिस्तान मूवमेंट कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वो मूवमेंट है जिसको हम पूरे पाकिस्तान की क्रिएशन के वक्त पढ़ते हैं। From the partition of Bengal 1905 till the 1947, we're gonna be studying these years thoroughly. Okay? So first thing first, हम देखेंगे अपने बड़े सवालों को, 7 और 14 marks को, ताकि हम 7 और 14 marks में ही वो चीजें भी कवर कर लें जो हमारे 4 marks में आ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि छोटी छोटी कोई चीजें, ठीक है? और वो फैक्ट बेस्ड होंगी तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, ठीक है? मैं बीच बीच में आपको ये बात याद दिलाता रहूंगा कि ये चीज 14 marks के अलावा 4 में भी आ सकती है, या ये पिक्चर सोर्स में आ सकती है, या ये पैराग्राफिक सोर्स में आ सकती है, जहां जहां तक मुझे अंदाजा होता रहेगा, ठीक है? शुरू करते हैं इस चीज को। व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन? सबसे पहली चीज हमारे पास आती है 7 marks की इस सेक्शन में, कि बंगाल को पार्टीशन क्यों हुआ था। अब आपके पास स्क्रीन पे इसके कुछ रीजंस नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है? सबसे पहले अपने उसी तरीके से चलते हैं। देयर वर सम एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द सब कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, लीडर्स लाइक तिलकफ पूना वर मेकिंग इम्पैशन्ड स्पीचेस एंड वर ऑल्सो राइटिंग प्रोएक्टिव आर्टिकल्स। देयर वर ऑल्सो सम सीक्रेट सोसाइटीज एज वेल विच वर वर्किंग फॉर द इंडियन फ्रीडम। कुछ ना कुछ चीजें हो रही थी जो एंटी ब्रिटिश थी, और उसका हवाला भी दिया। सच एक्टिविटीज वरीड द ब्रिटिश अबाउट देयर रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, एंड देयरफॉर दे डिसाइडेड टू क्लैंप देम डाउन। वन वे इन व्हाट इन व्हिच दे डिड सो वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज उनके बिहाइंड पे हो रही हैं, और उसका एक तरीका उन्होंने निकाला कि इसको कट डाउन करें, किसको, जो पावर रीजेनरेट हो रही है अमंग द इंडियंस, लोकल इंडियंस, उसको कट डाउन करने के लिए उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का सहारा लिया। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। आगे देखो वो क्या बात करते हैं तुम्हारे साथ। वो कहते हैं बंगाल वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस। अब इस कट डाउन करने के बाद रीजंस क्या बताए गए कि क्यों कट डाउन किया गया, ठीक है? सो यू नीड द 3 factors। बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस, ये बात हमें याद है, और हम अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि उसको लार्ज था, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको 2 हिस्सों में किया। देयरफॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू गवर्न इट इफेक्टिवली एज अ सिंगल यूनिट, सो दे पार्टीशन इट टू इम्प्रूव देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशंसी, ठीक है? एक चीज तो ये हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेट है, और ये हमारा फैक्टर हमारे पास सिक्योर है। आगे देखते हैं हमारे पास और कौन से फैक्टर्स आते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि नॉट ओनली इट वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस एरिया एरिया वाइज, बट ऑल्सो हैड अ ह्यूज पॉपुलेशन विच वॉज 10 times मोर देन द ओरिजिनल ब्रिटेन्स पॉपुलेशन एट द टाइम। जो ब्रिटेन के पूरे पॉपुलेशन का नंबर था, उससे भी 10 गुना ज्यादा ये पॉपुलेशन वाला एरिया था। देयरफॉर इट वाज टफ फॉर द ब्रिटिश टू लुक आफ्टर सच नंबर ऑफ पीपल, एंड सो पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर द वेलफेयर फॉर इट्स पीपल। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया ना कि हमसे इफेक्टिवली गवर्न नहीं हो रहा, बहुत बड़ा एरिया है। दूसरा, ये इतने ज्यादा लोग हैं कि मैनेज नहीं हो रहे, तो हमने इस वजह से भी इसको वेलफेयर ऑफ द पीपल में भी कर दिया। तीसरा रीजन क्या बता रहे हैं वो, वन ऑफ द रीजन वॉज दैट ब्रिटिश वॉन्टेड टू विन द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स। क्या ये बात सुन के थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ सर, क्योंकि पहले इनके खिलाफ थे, अब इनका साथ दे रहे हैं। जब हम सर सैयद वाली बात पढ़ रहे थे, तो वहां पर तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें इनको इनकी सपोर्ट जीतने का दिल चाह रहा हो, ठीक है ना? लेकिन यहां पर वो पहले कह रहे हैं वन ऑफ द रीजन वॉज दैट ब्रिटिश वॉन्टेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स वर फेसिंग ऑप्रेसिव रूल्स बाय द ब्रिटिश एज दे वर ब्लेम फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो वही बात दोबारा आ गई। हाउएवर बाय 1905 द ब्रिटिश चेंज द व्यू ऑफ द मुस्लिम्स फॉर द मुस्लिम्स एंड कंसिडर देम एज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी
of India. So they partitioned Bengal in such a way that Muslims were given a separate Muslim province where they could live out of Hindu oppression, which led to the support of Muslim toward the British. क्या ये वो बात नहीं है जो के सर सैयद चाह रहे थे कि ऐसा हो कि तुम अपनी प्रेजेंस खुद बताओ, अहमियत जतलाओ और उसके बाद तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर होने लगेगा. देखो हिंदू के ऑपरेशन से भी निकल रहे हैं और ब्रिटिश भी रिगार्ड कर रहा है. देखो क्या दोनों चीजें हो रही हैं इस पैरा में. जी सर. और ये सब हो कैसे रहा है? ये हो रहा है विद द वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से वो लाइमलाइट में आए, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आए, लाइफस्टाइल बेहतर हुआ, पढ़ने लिखने जबान बोलने के काबिल हुए तो रिकग्नाइज हुए. जब रिकग्नाइज हुए तो अपनी जगह खुद बना ली. ठीक है, आगे चल के हमें पता चलता है दैट हिंदूज वर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन बंगाल डे बाय डे विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस एंड दे वर आस्किंग फॉर ग्रेटर कंसेशन फ्रॉम ब्रिटिश. This was seen by the British as a threat to their rule and therefore partition Bengal to weaken the Hindu community. अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर तीन से चार बातें हैं जिनको तुम as a factor लिख सकते हो. ठीक है, मुझे वो तीन से चार बातें बताओ कि फैक्टर में क्या क्या चीजें तुम ऐड कर सकते हो जो अभी तक हमने पढ़ी. सर सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि ब्रिटिश मुस्लिम्स का साथ दे रहे थे क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की थी और उनके पार पे आ रहे थे हिंदूस के. ओके ठीक है, एनीवन एल्स? सर बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो रहे थे और उसकी पॉपुलेशन 10 times ज्यादा थी ब्रिटेन के उस वक्त से, तो इसलिए उनको एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने डिवाइड कर दिया. अच्छा, अब मैं इसको पॉइंटर्स देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम पॉइंटर्स याद रखो. ठीक है, एक लार्जेस्ट एरिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, एक फैक्टर हो गया है. लार्जेस्ट एरिया से याद रख लो या लार्जेस्ट पॉपुलेशन से याद रख लो. ठीक है, आसान जबान में बताऊं, जैसे कराची की सिचुएशन है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा आबादी है. ठीक है, तो कराची को भी कहते हैं कि सूबा बना दो, लेकिन रकबे और उसके हिसाब से देखा जाए तो कराची बंगाल वाला मामला नहीं है. लेकिन समझने के लिए, क्योंकि एक इलाका है, शहर है, बड़ा है और आबादी भी उससे बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो कराची वाले पॉइंट से याद रख सकते हो तुम. नहीं याद रखना, डायरेक्टली याद रख लो, इट वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस प्लस विद द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एज देम. ठीक है, इसको आप टेन, अपनी बात को एम्फेसिस देने के लिए आप ये पॉइंट दे सकते हैं कि 10 times than the original population of Britain. अच्छा, एक हो गया. दूसरा, one of the reason was to win the support of Muslims, and the last one could be to weaken the Hindu community because Congress were to get rid of the oppression. Yes. एक तो मुसलमानों का हो गया कि oppression से बाहर निकाल लें, दूसरा ये कि Congress के threat से बचने के लिए, क्योंकि देखो उनको लग रहा था कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जो कि पहला पैराग्राफ जो हमारा है जिसमें वो कहा कि सब एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उनको शायद ये लग रहा होगा कि ये सारी चीजें कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम के हो रही हैं. ठीक है, और वो ये समझ रहे होंगे कि हिंदू बहुत आहिस्ता आहिस्ता अग्रेसिव होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो पावरफुल होते जा रहे हैं, तो क्यों ना हिंदू को भी वीक कर दिया जाए और हिंदू के साथ किसी और को उसके सामने खड़ा कर दिया जाए. तो उन्होंने किसको यूज किया? उन्होंने मुसलमानों को यूज किया. लेकिन ठीक है, अब यहां से मैं एक नया सवाल जनरेट कर रहा हूं. ठीक है अंजिया, हेलो बेटा, कैसे हो, आ गए हो? ओके, मोतशम आ गया क्या? ओके, सारिम भी आ गया. ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं यहां से एक सवाल जनरेट कर रहा हूं. ठीक है, अब उस सवाल को तसल्ली से सोच समझ कर हर कोई आंसर करने की कोशिश करे, भले वो एक कोई और आंसर कर चुका हो. ठीक है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल गोरे ने किया तो गोरा तो होगा खुश, ठीक है ना, क्योंकि वो काउंटर कर रहा था किसको? हिंदुओं को. ठीक है, कांग्रेस को. ठीक है, क्या हिंदू खुश होंगे इससे? नहीं. ओके, और क्या मुसलमान खुश होंगे इससे? यस. ओके, हाँ भाई कोई और बताओ कि हिंदू और मुसलमानों का क्या
क्या फीलिंग थी इस वक्त? सर बहुत गुस्से वाली, क्योंकि रेडिकल नेशनलिस्ट पहले मुसलमानों को मारने के पीछे थे। ओके ओके, कौन है जो टाइप कर रहा है? दला जल्दी से देखे, मोहतशम हो गए सर। मुसलमान खुश थे सारे मेमरान। ओके वेल डन भाई, मुसलमान खुश थे क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल पहले जरा डिफरेंट थी, अब उनको एक जगह मिल रही थी। ठीक है, तो अगर अगर मैं ये सवाल बना दूं कि व्हाई वर मुस्लिम्स वर हैप्पी बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो इसके तीन रीजंस क्या होंगे? एक उनकी एक उनको एरिया मिल रहा होगा रूल करने के लिए, ठीक है, एक वो हिंदू और ब्रिटिश के ऑपरेशन से निकल रहे होंगे, तीसरा वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते होंगे। समझ आ रही है? ब्रिटिश मुस्लिम्स के रिलेशंस बेहतर हो रहे होंगे, और ब्रिटिश मुस्लिम के रिलेशंस बेहतर हो रहे होंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये तीनों पॉइंट क्लियर है यहाँ? वाई वॉज बंगाल पार्टीशन, हम आगे चले। एक चीज इसके साथ लिंकअप में देखनी है मैंने, समझ दे सकते हैं इसकी? दोबारा बोलो बेटा। एक दफा आप इसकी समरी दे सकते हैं? मैं समराइज कर देता हूं। देखो, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन इन 1905? सबसे पहले ब्रिटेन के जितने भी लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको लग रहा था कि कोई एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज हो रही हैं उस रीजन में, ठीक है, हमारे खिलाफ कोई साजिशें हो रही हैं। तो साजिशों को कट डाउन करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, और वो प्लान था कि अगर एक पूरा चंक बंगाल है, एक सर्कल पूरा बंगाल है, तो उसको बीच में से आधा कर दिया, 50-50 कर दिया, ईस्ट और वेस्ट कर दिया, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने वेस्ट एक कम्युनिटी को दे दिया और ईस्ट एक कम्युनिटी को दे दिया, ठीक है। अब एक मुसलमानों के पास आ गया और एक हिंदुओं के पास आ गया, इसके रीजंस दिए उन्होंने, ठीक है। अब आपसे यहां पर फैक्टर्स और रीजंस ही मांगे हैं, ठीक है। अब आपका पहला फैक्टर है कि बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस एंड वॉज सो थिकली पॉपुलेटेड दैट इट वॉज नॉट गवर्न्ड इफेक्टिवली, सो दे डिसाइडेड टू डिवाइडेड द ईस्ट एंड द वेस्ट, डिवाइड द प्रोविंस इन द ईस्ट एंड द वेस्ट टू देम टू रूल एफिशिएंसी इफेक्टिवली, ठीक है। दो चीज, दूसरा पॉइंट ये कि मुसलमानों से उन्होंने रिलेशनशिप बेहतर करने थे, जो कि खराब हो गए थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और उनको ये लग रहा था कि नहीं, मुसलमान जो हैं वो अब अपनी लॉयल्टी अच्छी खासी शो कर चुके हैं, तो मुसलमानों को एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, वो उन्होंने किया, ठीक है। और मुसलमान हिंदुओं के ऑपरेशन से भी निकले, क्योंकि हिंदू ज्यादा बेहतर पोजिशन में थे मुसलमानों से। ये बात हम पहले भी सर सैयद वाली उसमें कर चुके हैं, जब हम रेस का हवाला कर रहे थे, याद, जब मुसलमान वेस्टर्न एजुकेशन नहीं ले रहे थे और हिंदूज ले रहे थे, ठीक है। तीसरी में हमने, हमारे पास जो बात है तीसरे पॉइंट में, वो ये है कि हिंदूज वर बिकमिंग सो स्ट्रॉन्ग डे बाय डे इन बंगाल विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस दैट दे वर आस्किंग फॉर सम मोर कंसेशंस। ये कंसेशन क्या है, जैसे समझाने के लिए कह देता हूं कि आपने किसी से कोई खाने की चीज मंगवाई, वो एक चीज लेकर आया, जैसे आप बच्चे हैं और आपने एक चॉकलेट मांगी, ठीक है, लेकिन अब आप रो रहे हैं, नहीं नहीं मुझे दूसरी चॉकलेट भी चाहिए, ठीक है। आपने जरा रोना गाना, यहां पहले आप रोते गाते थे, अब आप कंसेशन मांग रहे हैं अपने पावरफुल होते होते, दे रहे हो कि नहीं दे रहे, मुझे तो चाहिए चॉकलेट, तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे, तो इससे क्या लगेगा कि आप थ्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है कि ब्रिटिश सॉ इट एज अ थ्रेट, तो उन्होंने इस थ्रेट को खत्म करने के लिए पार्टीशन किया, ताकि जो कांग्रेस है या हिंदू डोमिनेशन है उसको वीक कर दिया जाए। हिंदू को वीक करने के लिए पार्टीशन हुआ, मुसलमानों से दोस्ती करने के लिए पार्टीशन हुआ, प्लस उसको इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए पार्टीशन हुआ। तीन पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर तुम्हारे पास डायरेक्ट, मैं तुम्हारे पास बात लेकर जा रहा हूं, हालांकि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन सवाल हमारे पास है, हम मोमेंटम में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स्ड? तारीख देखो क्या है जल्दी, 1911। कितने साल बाद हुआ? 6। इसका मतलब
6 साल। एक चीज तो कंफर्म है, देखो मुसलमानों के ताल्लुकात 6 साल अच्छे रहे होंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली तुम्हारे जहनों में ये बात आनी चाहिए कि जब पार्टीशन रिवर्स हो गया होगा तो हिंदू खुश हुए होंगे और मुसलमान ना खुश, गुस्सा। जबरदस्त। क्लियर है ये पॉइंट? बताने की जरूरत थी दोबारा क्या? देखो इस पैराग्राफ में कहीं तुम्हें कोई ऐसी बात इस पूरे सवाल में कहीं तुम्हें, अच्छा ये तो अभी रीजंस है ना, आगे जाके आएंगे। हमको आगे जाके ये भी पता चलेगा कि मुसलमान जो खुश ना खुश हुए और हिंदू जो खुश हुआ उसके रीजंस क्या हैं। अब यहाँ पे रीजंस हैं कि ये खत्म क्यों हो गया, ठीक है। एक जैसे आपको बात बताई कि थ्रेट वाली थी, इसके बाद कांग्रेस ने ओपनली उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिए, उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया, मुसलमानों से लड़ाइयां शुरू कर दी, ठीक है। सो वो चाह रहे थे बेटर वे में गवर्न करें, लेकिन मामलात रायट्स की तरफ चले गए, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा अराइज हो गया, तो इसका मतलब इफेक्टिवली गवर्न नहीं कर सके। अब यहां से मैं तुम लोगों को 3 से 4 मिनट दे रहा हूं, थॉरली इसको देखो, ठीक है। यहाँ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 पैराग्राफ्स हैं, इसमें 2 फैक्टर्स शुरू में दिए मैं, जल्दी से वो 2 फैक्टर्स निकालो फिर तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। थॉरली पढ़ो इसको, ठीक है। रोना पीटना ही ज्यादा है इसमें, ठीक है। माइक ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए, या हाँ कोई सर, अपना माइक ऑफ कर लो। इलेक्ट्रिक कोई चीज है तो उसको दूर कर हाँ ले, ठीक है। इलेक्ट्रिक चीज का ये रिबटल आता है दोबारा, ठीक है। अच्छा जी मैं इसको, हाँ जी अब देख रहे हैं आप इसको, ठीक है। सर, आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। ठीक ऑफ हो गई है, ओके। है जरा सर, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, मैंने ये किया नहीं था लेकिन कैसे हो गया, चलो देख लेते हैं दोबारा। ओके ओके, कोई मसला नहीं है, नो नीड टू, है चिल करो। अच्छा जी जल्दी से इसको देखो ताकि पार्टीशन का रिवर्सल हमें पता चले, और रिवर्सल को पता करने के बाद हम देखेंगे कि इस दौरान इन 6 सालों में और क्या क्या कहानियां हुई हैं, ठीक है। एक फैक्टर हाँ इकोनॉमी, एब्सोल्युटली। वन इज दी स्वदेशी मूवमेंट जिसमें बॉयकॉट किया, एंड नंबर टू कुड बी दी असैसिनेशन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स। वंडरफुल, ये दो तो हमें मिल गए। देखो मैं तुम्हें सिर्फ पॉइंटर्स बता रहा हूं ताकि तुम उसकी एक्सप्लेनेशन आगे ले जा सको, मैं तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। कल वाली बात, स्पून फीड नहीं करूंगा, बार बार चमचे से नहीं खिलाऊंगा, ठीक है, बच्चे नहीं हो, मैं तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफाई कराऊंगा, वो आइडेंटिफिकेशन तुमने एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। 7 मार्क्स में कितनी, 10 में कितनी, 14 में कितनी, गॉट इट? यस सर, यस सर, ठीक ओके है। दो सर। हो गए हमारे सेकंड, पास, स्वदेशी मूवमेंट, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। तीसरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रहा था। एग्जैक्टली, ये दोनों मिलने के बाद हो गई यही। जब इकोनॉमी क्रैश हो रही होगी तो हमले हो रहे हैं, तो ऑल इन ऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही होगी। अब देखो सेकेंड लास्ट पैरा से आगे चलते हैं। कांग्रेस सपोर्टेड द हिंदूज इन द मिशन टू रिवर्स द पार्टीशन। This gave Hindus a lot of power to oppose the British rule as it was the largest and the most influential part of the subcontinent. Thus, the partition reversed to remove this strong opposition of Hindus. भाई ज्यादा लोग थे ना, ज्यादा तादाद में थे।
बैकफायर कर गया उनका ये. देयर वॉज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन 1910. Who sent a new viceroy, Lord Harding, to India? ये भी एक फैक्टर है. Who studied the political situation of the subcontinent and realized that the decision of the previous government regarding the partition was ineffective? समझ आ रही है? हमारे यहाँ तुम अगर गौर से देखो, जब तुम जाओगे सेक्शन थ्री में, मैं तुम्हें बात अभी बता रहा हूं, जब तुम सेक्शन थ्री में जाओगे तो तुम्हें ये वाला लेक्चर याद आएगा. वहां हम नवाज शरीफ, बेनजीर और मुशर्रफ तक पहुंचेंगे, या जियाउल हक और भुट्टो और अयूब खान के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे रिफॉर्म्स आएंगे सबके, ठीक है ना. तो तुम्हें याद आएगा कि रिफॉर्म्स हर किसी ने आके अपने अपने रिफॉर्म्स किए थे, हालांकि उन्हीं चीजों को छेड़ा था, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, हेल्थ को, एजुकेशन को, लेकिन अपने अपने तरीके से, क्योंकि हर कोई समझता था कि नहीं, पिछला वाले ने गलत किया, मैं ठीक कर रहा हूं. तो यहां पे भी देखो, ब्रिटेन में भी यही हुआ. नई हुकूमत आई, उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो मसला खराब हो रहा है, यहां पर हम सही करते हैं. वो इनइफेक्टिव वे था, हम इफेक्टिव करेंगे इसको. देयरफॉर द ब्रिटिश रिवर्स द पार्टीशन टू इंप्रूव देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, आखिर में क्या हुआ? किंग जॉर्ज, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिशियल, वाज गोइंग टू विजिट इंडिया इन 1911. द हिंदूज थ्रेटन्ड टू असैसिनेट हिम इफ देयर डिमांड रिगार्डिंग पार्टीशन वाज नॉट रिवर्स्ड. So the British were forced to reverse the partition, make the visit of King George V a safe and successful. वही चीज जो शुरू से threat थी, वो threat इसका मतलब 1905 में कम थी, 1911 में ज्यादा बढ़ गई. ऐसा ही है? Yes sir. शुरू में जहां हमने paragraph शुरू किया था 1905 में, देखो यहां पर there were some anti-British activities going on in the subcontinent. ठीक है, यहां पे उन्होंने छोटी मोटी, उन्होंने कहा कारपेट के अंदर कोई हो रही थी बातें, जैसे डस्ट होती है कारपेट के नीचे. यहां देखो सीक्रेट सोसाइटीज लिखा हुआ वर्ड. यस सर, यस सर. अब ये सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब ये था कि छुप छुप के कर रहे थे. क्या पार्टीशन के बाद छुप के किया? नहीं, पार्टीशन के बाद खुल के सामने आ गए वो. इसका मतलब सिचुएशन अच्छे होने के बजाय बुरी हो गई, इसलिए रिवर्स हो गया. ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये बात थी. अच्छा, अब वो बात जो मैं पहले पूछ चुका हूं, क्या हिंदू बहुत खुश हुए होंगे और मुसलमान जो होंगे वो नाराज हो गए होंगे, तो मुसलमान नाराज किन किन से हुए होंगे? सर ब्रिटिश से, ब्रिटिश और हिंदू दोनों से. हिंदू से भी, दोनों से. क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे ना, यार हिंदू हमारी खुशी में खुशी नहीं हुआ, और ब्रिटिश ने जिसने हमसे वादा किया था उसने तो वादा तोड़ दिया, तो वो दोनों से नाराज होंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं, तुम्हें आगे की कहानी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी. अच्छा, पहले ये सवाल देख लो. रीजंस फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल वर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑफ दोज इट्स रिवर्सल. यहां पर वो तुमसे पूछ रहा है, क्या रीजन पार्टीशन के बंगाल के ज्यादा स्ट्रांग थे और रिवर्सल के ज्यादा स्ट्रांग थे? किसके ज्यादा स्ट्रांग थे इवेंचुअली, वो ये पूछना चाह रहा है. ठीक है, अब तुम किस तरह जाओगे? तुम जाओगे रीजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल दोगे पहले, फिर तुम रीजंस फॉर रिवर्सल दोगे. अब यहां तुम्हें याद रखना है, ये देखो तुमसे दो चीजें पूछ रहा है ना, दो अलग अलग चीजें पूछ रहा है. 1905 को इसने लिया और 1911 को इसने लिया, दो 7 मार्क्स के सवालों को इसने मिलाया है तुम्हारे लिए. यही किया है? यस सर. अभी हम ऊपर दो 7 मार्क्स करके आए ना, इन दो 7 मार्क्स उसने नीचे तुम्हारे लिए एक ही सवाल 14 मार्क्स का करके दे दिया है. ठीक है, यहां पर तुम्हारे साथ तुम्हें आसानी हो रही है. क्यों? ऊपर तुमने 6 अलग अलग रीजंस दे दिए थे. यस सर, तो 6 के 6 रीजंस नीचे आ जाएंगे. ठीक है जी सर. और फिर तुम्हारे पास अपना वो भी आ जाएगा, क्या कहते हैं, व्यू भी आ जाएगा, जिसमें तुम ये बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, किससे एग्री करते हो तुम. ठीक है, तुम्हारे पास एक एक फैक्टर इसमें बच रहा है 7 फैक्टर्स होने के लिए. ठीक है, अच्छा देखो एक चीज, तो यहां से तुम 7 एक फैक्टर यहां से ले सकते हो स्टार्ट में, ये जो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज हो रही थी ना, सीक्रेट सोसाइटीज वाला, ये ले सकते हो. अच्छा, ये 4 और 3 का कॉम्बिनेशन. ठीक है, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन गया. लेकिन तुमने देखना यह कि सवाल में उसने सबसे पहले क्या कहा है, रीजंस फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल.
उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पूछा है, वह मोर इंपॉर्टेंट देन ऑफ दोज इट्स रिवर्सल. उसने शुरू में रिवर्सल नहीं पूछा, उसने शुरू में क्या पूछा है, पार्टीशन के बारे में पूछा है. तो तुम पार्टीशन ऑफ बंगाल ही से शुरू करोगे, ज्यादा वेटेज वहीं दोगे. ठीक है? यस सर. आखिर में तुम अग्री कर सकते हो किसी भी एस्पेक्ट से, उसके बारे में तुम किसी एक पॉइंट को बेस बना के कर सकते हो. तुम रिवर्सल पे भी जा सकते हो कि हाँ रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ब्रिटिश अपनी पावर लूज कर रहे थे, या तुम इस पे भी जा सकते हो कि नहीं ब्रिटिश का आइडिया ठीक था और ये होना चाहिए था लेकिन बैकफायर कर गया. ठीक है, इट्स अप टू यू, वट एवर यू थिंक कि वो पॉइंट जो जस्टिफाई करता है उसके साथ तुम चले जाओ. ठीक है, तो इस तरह ये 14 मार्क आंसर होगा. ठीक है, आगे जब तुम नीचे जाओगे तो 14 मार्क का कोई सवाल आ जाएगा. आई विल सेंड दिस सून इंशाल्लाह. हाँ सर, इसकी एंडिंग समझते हैं, इसको तरह से कंक्लूड करेंगे. इसको कंक्लूड दो तरह से कर सकते हैं मेरा बेटा. देखो देखो, तुम्हारे पास कंक्लूजन तुम्हारे पास दो हो सकते हैं. एक ये कि तुम ये कहो कि नहीं पार्टीशन ऑफ बंगाल ठीक था और वो सही था फैसला. मैं अग्री करती हूं कि वो फैसला सही था क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी आबादी थी और बहुत ज्यादा बड़ी आबादी के लिए मैनेज करने के लिए एफिशिएंट इकदम उठाया था उन्होंने, बिल्कुल ठीक था. ठीक है, तुमने एक पॉइंट से अग्री किया और उसकी रीजन दे दिया कि आई अग्री विद दिस पॉइंट और यही इसका रीजन है मेरे ओपिनियन का. यहां पर तुम दूसरी तरफ भी जा सकती हो, रिवर्सल के साथ भी जा सकती हो. रिवर्सल में से तुमने कोई एक पॉइंट ले लिया कि नहीं यार वो इतने ज्यादा हालात खराब हो गए थे तो कर दिया तो अच्छा ही किया भाई, जहां 10 लोग मर रहे थे 20 लोग और मरते, नुकसान ज्यादा होता, इकोनॉमी बहुत क्रैश हो रही थी स्वदेशी मूवमेंट की वजह से. आप ये पॉइंट ले सकते हैं कि ठीक किया, वरना स्वदेशी मूवमेंट के चक्कर में तो इंग्लैंड का अपना बाजा बच जाता. ठीक है ना, तो आप किसी एक पॉइंट को बेस बना के कर सकते हैं. मेरे हिसाब से आप रिवर्सल को कर सकते हैं, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन को आप बेस बना के कह सकते हैं कि आई एग्री के हालात ज्यादा खराब हो गए थे, जितने पहले नहीं थे उसके बाद ज्यादा हो गए थे. ऐसा ही हुआ, अभी हमने यही देखा था ना, शुरू में तो सीक्रेट सोसाइटीज नहीं थी लेकिन बाद में आ गई और वो सामने खुलकर आ गई. यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? यस सर. सर सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो. कुछ क्वेश्चन इस तरह भी होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है डू यू अग्री स्लैश डिसएग्री. मैंने कल एक क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था डू यू अग्री एंड डिसएग्री, तो उसमें मतलब अग्री और डिसएग्री दोनों का लिखना है ना, कि व्हाई यू अग्री एंड व्हाई यू डिसएग्री, दोनों को डिस्क्राइब करना कर सकते हैं. लेकिन अगर तुम सिर्फ एक ही तरफ अग्री पे जा रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली यू आर डिसएग्रीइंग विद द अदर थिंग. ठीक है, पर सर फिर उसमें क्या कहते हैं अगर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि उनसे मैं डिसएग्री कर रहा हूं और वो कुछ पॉइंट डिसएग्री में आ रहे हैं तो उनको भी तो चाहो तो मेंशन कर दो, चाहो तो मेंशन कर दो, वरना तुम्हारा अग्री करना ही काफी है. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है. ठीक है, अब तुम आ जाओ 7 मार्क्स में के शिमला डेपुटेशन. अब शिमला डेपुटेशन की बात क्यों हो रही है, देखो 1905 से कहानी शुरू की थी, 1905 के बाद 5 के बाद भाई 6 आता है तो 6 की बात कर रहे हैं. हमने 11 पहले इसलिए कर लिया क्योंकि वो शुरू और खत्म की बात एक साथ कर ली ताकि हम अपना 14 मार्क्स का सवाल देख सकें. ठीक है, यहां पर वो कह रहे हैं व्हाई वाज देयर अ शिमला डेपुटेशन इन 1906, क्या जरूरत पड़ गई थी कि शिमला डेपुटेशन हुआ 1906 में. एक तो बात समझ आती है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ऐसा ही है. Yes, sir. तो मिलना तो जरूरी था, मुसलमानों को कोई चीज प्लेट में रखी हुई मिल गई थी तो मुसलमानों को उस प्लेट को डिस्कस करने तो जाना था. ठीक है ना, अब देखो जल्दी से इसको, 5 मिनट है हमारे पास, ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे. जल्दी से देखो शिमला डेपुटेशन, नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो हम यहां से शुरू करेंगे. देखो वाई वॉज शिमला डेपुटेशन इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, खैर इसमें भी वही बात आ जाएगी. Why was Muslim League formed से शुरू करेंगे. ठीक है, हालांकि इसी के अंदर जवाब आ जाएगा. अब मैं जल्दी जल्दी 3 फैक्टर्स इसके बताता हूँ. ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको ताकि नजर आए सबको, नहीं नहीं बड़ा कर देते हैं, बड़े में नजर आएगा. अरे यार क्या हो रहा है. ओके, गोइंग बैक टू द शिमला डेपुटेशन, इसको ले जाते हैं नीचे. पहली चीज ये कि हिंदू स्टार्टेड द लार्ज स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज It divided them into two parts. Muslim feared इतने बड़े चेंज को, स्केल को, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट को कैसे देखेंगे और कहीं पार्टीशन रिवर्स ना हो जाए,
तो वो ये बात करने के लिए पहुंच गए वॉइसराय के पास, लॉर्ड मिंटो के पास, टू गेट द चांस अश्योरेंस रिगार्डिंग द पार्टीशन वाज परमानेंट फॉर बाय परफॉर्मिंग अ शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन का बेसिक मकसद ये था कि जाके ये जो थ्रेट है उस थ्रेट को निगेट किया जाए, और निगेट क्या करें कि कहीं ये रिवर्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये बात करने गए। कांग्रेस के बारे में क्या बात थी कि कांग्रेस पार्टी जो थी मेनली कंसिस्टेड ऑफ हिंदूज, वही बात जो हम इसकी इनिशिएशन में पढ़ चुके हैं। दिस वर्क मेनली इन फेवर द हिंदूज इंटरेस्ट, दिस वरीड मुस्लिम कि अगर कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट में चली गई तो कहीं हमारा पार्टीशन रिवर्स ना हो जाए। तो उसको डिस्कस करने के लिए दे क्रिएटेड अ शिमला डेपुटेशन टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स, मुसलमानों की डिमांड्स को लेकर शिमला डेपुटेशन किया, ताकि ब्रिटिश के सामने एक पर्सपेक्टिव आ जाए कि मुसलमान ये देख रहे हैं और इस तरह इस सिचुएशन को देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस उनकी अपोजिशन में खड़ी थी और उनको पता था कि ये हिंदूज के फेवर में बात करते हैं, हमारे फेवर में तो करेंगे नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो ये कहीं रिवर्स ना हो जाए। हिंदूज वर ट्राइंग टू कन्विंस ब्रिटिश दैट टू मेक हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस वरीड द मुस्लिम्स एज उर्दू विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज हेल्ड अ लॉट ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर देम, दस शिमला डेपुटेशन वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज ऑल्सो। दो चीजें हो गई यहां पर, दो फैक्टर्स नजर आ गए भाई। एक किस चीज का, कांग्रेस थ्रेट कर रही थी कि कहीं वो पार्टीशन रिवर्स ना कर दे क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी बन गई थी। ठीक है, दूसरा उर्दू लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए भी शिमला डेपुटेशन था। एक बात शुरू की स्टेटमेंट में ही हो चुकी है जो कि हमारा ऑलरेडी तीन फैक्टर बन सकते हैं। उसने शुरू में बात की है कि कहीं हमारा ये पार्टीशन रिवर्स ना हो जाए, उसकी परमानेंसी चेक करने के लिए भी शिमला डेपुटेशन था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास जो बात है वो ये है, सम एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ग्रुप्स लाइक आर्य समाज, ठीक है, कैरिड आउट मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वर ट्राइंग टू फोर्सिबली कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म। दिस वाज सीन बाय द मुस्लिम्स एज अ थ्रेट टू देयर रिलीजन, देयरफॉर दे मेट द वाइसराय टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस राइट्स बाय फॉर्मिंग शिमला डेपुटेशन। यहां पर ये एक और चीज आ गई तुम्हारे पास, रिलीजियस एस्पेक्ट आ गया कि तुमको जैसे वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज कर रही थी, यही यहां पर वो आर्य समाज कर रहा था। याद आ गई बात? यस सर। ठीक है, आर्य समाज उर्दू हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, और रिवर्सल पार्टीशन का और कांग्रेस, ये चार हमें मिल गए हैं यहां पर अभी। ठीक है, फिर भी हम पांचवें पे जा रहे हैं। ब्रिटिश इलेक्टेड दी लिबरल गवर्नमेंट ऑफ हिंदूज, ठीक है, this increased the number of electorate seats of the Hindus. The Muslim feared that the Hindus, due to their high population, would win almost every decision. Thus, they formed Shimla deputation to win the Muslims' separate electorate seats in their council to protect themselves politically. ये वो point था सारी बातों में, ये वो point था Shimla deputation का, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दुख हुआ था कांग्रेस को या उस वक्त की हिंदू कम्युनिटी को, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसने आगे जाके पाकिस्तान की बेस बनाई। कौन सा पॉइंट? कौन सा पॉइंट? आई एम हाईलाइटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। यस, सेपरेट इलेक्टोरेट। और सर ये क्या कहते हैं सर, ये मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन की वजह भी यही थी मेनली। Exactly. आगे जाके ये बात मान ली, यहाँ पे बहुत सारी बातें इस वॉइसराय ने मान ली और इसकी बुनियाद बनी अगले साल, बल्कि इनफैक्ट इसी साल के आखिर में, ये मार्च में मिलने गए थे शायद, और दिसंबर में फॉर्म हुई है हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब आज के लिए हमारे लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। I'll be posting on this on YouTube channel, ठीक है, जो YouTube पे देख रहे हैं आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, जितने लोगों को फायदा कर सकते हैं जरूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।